अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इमरान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मुझे पता है बहुत टाइम हो गया है वीडियो बनाए हुए, हाँ आई नो, लेकिन बस आज वीडियो बना रहे हैं। और आज गाइस हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो के हैं क्या चीज़ें थी, हाँ वो एक पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो स्क्वाड अनाउंस हुई उसका, पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड और इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत ऐसा लग रहा है मैं 3 घंटे से उठाऊं, अभी कोई 2 बज रहे होंगे या एक, क्या बज रहा है, एक सेकंड प्लीज, 3:45 बजे। अच्छा तो गाइज मतलब अभी जो था ना, मतलब मैं 3 घंटे से उठाऊं ऐसा लग रहा है, 3 घंटे नहीं 5:11 बजे उठा रहा हूँ मैं। ओके गाइज, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की, फिर पाकिस्तान की बेइज्जती करेंगे, मतलब पाकिस्तान के प्लेयर्स की। तो गाइस पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं क्या बोलूं, आई डोंट नो, क्योंकि पीपल जो है ये लोग हैं क्यों कंपेयर करते हैं यार कोहली को बाबर से, प्लीज यार ना करो, प्लीज प्लीज मैंने हाथ जोड़े, प्लीज नहीं करें, प्लीज प्लीज नहीं क्या करें आप लोग, क्योंकि आप लोग कंपेयर करते हो तो यार कोहली के अंदर प्रेशर ही नहीं होता यार, वो बंदा क्या खेलता है यार, वो बस आता है टीम ने 500 ऐसे ए उनका वैसे ही टॉप ऑर्डर कर दे रहा होता है, वो चौथे पे अगर टेस्ट क्रिकेट में आता है वो अलग से 100 कर देता है जो उसकी मैच जो फिर जिससे वो किंग कोहली बन जाता है। फिर उसके बाद कहता है नो कोहली इज बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन कहता है अब ये भी देखो आप कोहली ने प्रेशर में अगर स्कोर किया भी तो वह अब पहले करता था, आई नो जब कोहली अपने प्राइम में था तो बाबर आजम उसके उनके करीब भी नहीं है, लेकिन अभी के वक्त विदाउट एनी डाउट प्रॉपर वे अहेड ऑफ कोहली, क्योंकि अगर आप बाबर को देखो वो इतना कोई रिदम वाले बॉलर को खेल रहा, वो गए जब आपको विकेट से मिल रही होती है तो हम लोग जो है ना थक जाते, बस हम लोग फिर ऐसे ही बॉलिंग करा रहे होते, तो ऐसे ही करा रहा हूँ कोहली उनको, मैं खेल रहा होता है खेले जा रहा होता है वो बहुत स्कोर कर लेते हैं, लेकिन रही बात बाबर आजम की तो भाई वो बॉलर रिदम में हो रहे होते हैं, धड़ाधड़ बाउंसर मार रहे होते हैं उनका बॉल, ऐसा बॉलिंग पिचों पे बाबर आजम स्कोर करके आता है, फिर भी हमारे लेजेंड्स को मसला है कि भाई ये आखिर तक क्यों नहीं खत्म करता, अरे कैसे खत्म करे यार, आपके जब प्लेयर दूसरे जब परफॉर्म नहीं करेंगे चाहे लोग हैं यार, ये हमारे लेजेंड्स क्या है, उनमें लेजेंड वाला काम, कोई 6-7 हज़ार रन मारती है बेस्ट है क्या, वो भी 8,500 रन उन्होंने अपने होम कंडीशन में मारे, 500 रन अवे कंडीशन पे मारे, फिर भी उनको मसला है बाबर आजम से, अरे बंदा खेले तो खेले कैसे यार। देखिए गाइस आप रमीज राजा को देखो यार, उसको मसला है यार भाईजान, प्लीज आप भी कभी कोई आखिर तक गेम नहीं लेके गए, आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्यों करते हैं अपनी रिव्यू, हमें नहीं चाहिए घंटा के यूट्यूब आपके चैनल खोले में, आमिर जाहिल का बच्चा है, सॉरी उसके अब्बू को मैं नहीं कह रहा उसको कह रहा हूँ जाहिल, अब हालत देखो यार आप रिटायर होना यार, मैं तो कहूंगा यार आपको, मुझे पता है वो T20 लीग के नहीं खेला, मुझे पता है वो टेस्ट क्रिकेट में उसको मसले हुए थे, इसका मतलब गए अगर उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, आई नो मिसबा नफसियाती इंसान है वकार जैसे नफसियाती है, लेकिन इंस्टेड आप जो हो PCB के पास जाओ उनको कहो कि भाई मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे, ना करने फिर आप आओ, आप गए अगर मैं आप समझे आपको मैं किसी चीज किसकी एग्जांपल दूं जी, तो गाइज अगर ऐसा हो कि स्कूल है स्कूल में आपको किसी बच्चे ने मारा या कुछ भी किया तो आप टीचर के पास जाओगे, टीचर को कहोगे कि टीचर हम जो है इस बच्चे ने हमें मारा है, तो फिर आप अगर टीचर वो उनको डांटेगी या कुछ करेगी या मारेगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो बच्चा जो है वो अपने ज्यादा पेरेंट्स को बताएगा या कुछ चुप रहेगा, मतलब पेरेंट्स को अगर बताएगा, कुछ बच्चे होते हैं मम्मी डैडी अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं तो वो पेरेंट्स को बुला के वो प्रिंसिपल के पास जाएंगे, तो इसी तरीके से आमिर को करना चाहिए था, उनको सिलेक्ट नहीं करो PCB का, ऐसा थोड़ी रिटायरमेंट उठा के ले लें आप, जहल पाना दिखा रहे हो अपना कोई जट हो आप, हंसने में जाते हैं करके दांत, मतलब यार इनफ इतना कोई पागल, ये PCB है कोई पागल खानार का मसाला है ना गौतम का, जैसे आप तो सारे जोकर रिल्डर पेंगु इन सब इधर ही हैं, समझ ही नहीं आते PCB क्या है, मजाक पागल खाना है क्या। अच्छा गाइस
अब चलें बात करते हैं उसकी, क्या नाम है, स्क्वाड की, ब्रिलियंट स्क्वाड। मुझे यही शिकायत होती थी कि आप जो है एक रीजन के प्लेयर को लेते हो और एक के लेते नहीं। साउथ शकील ब्रिलियंट, ताबिश खान वो तो बेचारे की 35 साल उम्र हो गई आप उसकी, तो गाइस स्टैट्स देखिए, ब्रिलियंट बॉलर था उसको। आप अगर अभी होम कंडीशन में वैसे कहते जो जो मुझे एक बात गलत है कि वो सोहेल, अगर आपने ये कहा कि इन कंडीशंस में सोहेल खान नहीं खेलते तो उसमें सोहेल खान को आपको बाहर कंडीशन में खिला देना चाहिए। और रही बात अब्बास की, यार अब्बास के से भी कुछ लोगों मसले हो रहे हो, कह रहे हैं कि भाई अब्बास ने विकेट नहीं लेके दी। भाई यार अब्बास तो है ना, उसने वो भी कैचेस निकलवाते हैं, हमारे कैचेस करते नहीं। चलो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, भाई देखें पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड में वो हमारी बॉलिंग सही थी, टॉप ऑर्डर, बस दो चीज़ें जो हमारी कॉज थी ना हमारी डिक्लाइन हमारे हारने की वो ये थी, टॉप ऑर्डर और फील्डिंग बस। मिडिल ऑर्डर बेस्ट था, बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन हमारे फील्डर ने इतने कैचेस छोड़े हैं। टॉप ऑर्डर तो पता नहीं कोई 80 पे 3 होते थे, 5 पे 30 3 होते थे, ऐसे ऐसे खेल रहे होते थे टॉप ऑर्डर। और रही बात उनकी, अच्छा वो शान मसूद तो निकाला, फिर आप भी देखो क्यों रखा, क्या उसकी 25 रन की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से। और गई जब रही बात उनकी स्क्वाड की, तो गई बहुत अच्छा स्क्वाड है, आप दूसरों की बातों में ना जाए, ब्रिलियंट स्क्वाड है। क्योंकि इस स्क्वाड में अब मैं आपको रीजन बताता हूँ, वो ये है, देखिए जब आपके जो 10 बन मतलब हमारे अगर बॉलर जो थे वो वैसे ही फील्ड छोड़ते थे, मतलब हमारी फील्डिंग वैसे ही बुरी थी। अच्छा पहले बैटिंग के बारे में बात करते हैं, आबिद अली शान मसूद ये लोग वैसे ही स्कोर नहीं करते थे, ठीक है ना गाइस, ये लोग वैसे ही स्कोर नहीं करते थे। तो उनको छोड़ के अगर आप किसी यंगस्टर को चांस दो ना, तो वो भी अगर स्कोर नहीं करेगा तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। इंस्टेड आपको ये फायदा होगा, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो कहीं अच्छा अच्छा खेलना आहिस्ता शुरू करेगा और फिर खेल खेल के पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा वो विराट कोहली पाकिस्तान का नहीं है, बहुत ऐसे विराट कोहली हमने गुजारे किए होंगे, क्योंकि अगर वो विराट कोहली पाकिस्तान का होता ना गाइस, जिसे 2014 में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, उसको निकाल देते उसको, फिर 20 साल बाद उसको लाते और कहते कि अब तुम खेलो, वो बेचारा बोलता भैया मैं 40 साल का हो गया, मैं कहाँ से खेलूंगा। लेकिन बस ऐसे ही कहता है पाकिस्तान में। और गाइस अपने केकड़े ने अच्छा खेला, AKF फवाद आलम रिजवान ने भी कहा अच्छा खेला, मिडल ऑर्डर मारा गाइस बेस्ट था न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छा और ऑस्ट्रेलिया और गाइस जीस, मैंने शायद पहले भी वीडियो में थोड़ी देर पर, मैंने 2-3 दफा ये वीडियो बनाई है, बार बार मसला हो रहा था। अच्छा मैंने पता नहीं पिछली वीडियो में कहा इसके स्टार्टिंग में, मैं वापस कह रहा हूँ कि अब विराट को बाबर से कंपेयर नहीं करो, विदाउट एनी डाउट बाबर इस वक्त विराट से बेटर है। जब विराट अपने प्राइम में तो बाबर आजम के करीब भी नहीं थे, आई एग्री, बट अभी बाबर इज बेटर, इन टीम इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान। और गाइस हम लोग आपके कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, आप हमारे से वे अहेड हो, क्योंकि हम जो है गाइस पहले जब हमारी ICC रैंकिंग में हमारी टीम जब नीचे आई थी ना तो मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो सही था क्योंकि वैसे ही हम लोग नीचे आते फायदा, होम कंडीशन में हम बेस्ट टीम बन के खेल रहे हो इतना, वो भी उनमें भी हार जाते कभी कभी। तो अच्छा तो अभी रही बात, अब देखिएगा अब फॉर एग्जांपल अगर हम ओपनिंग में खिलाते हैं इमरान भट्ट को, तो अगर वो एक इन पहले मैच में वैसे भाई 4 बंदे थे कौन, एक इमरान भट्ट थे और गाइस कामरान गुलाम, ये वे बहुत अच्छे है। अच्छा गाइस मैं आपको बता दूं अपनी टीम जो मैं खिलाता, हेलो गाइस, तो गाइस मैं कहा था, मैं कह रहा था ओपनिंग में गाइस आबिद अली इमरान भट्ट और मैं कहता हूँ अब्दुल्ला शफीक के साथ जाना चाहिए। आबिद अली नहीं वैसे गाइस आबिद अली अच्छा भी खेलते हूँ मैं, तो एक आबिद अली के साथ गाइस हमें चला जाना चाहिए और इमरान भट्ट या फिर अब्दुल्ला शफीक, दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। 1 डाउन साउथ शकील, 4th पे बाबर आजम, 5th पे कामरान गुलाम, नहीं 6th पे शदाब खान गाइस खिलाना चाहिए, इमामुल्लाह का अगर नहीं खेलते तो 5th पे नहीं। वैसे गाइस हम 3 बॉलर के साथ ही चले जाते हैं, तो गाइस टीम बनाना बहुत मुश्किल है, गाइस टीम का कुछ नहीं कह सकते। अच्छा गाइस और रही बात स्क्वाड की, स्क्वाड बेस्ट है। और अब गाइस हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया की बारे में भी कर ली और
न्यूजीलैंड के बारे में कर ली। तो गाइस अब मैं रह जाऊंगा कंसिस्टेंट, मतलब मुझे जो लगता है शायद रह जाऊँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस मैं बहुत बोल रहा हूँ, आज थक गया हूँ, तो प्लीज़ इतना तो कर दीजिएगा।